नागपुरात 4 कोरोना व्हायरसचे संशयित रुग्ण पडून जाण्याची घटना समाज माध्यमाद्वारे आणि माध्यमाद्वारे पसरविण्यात आली होती, मात्र ही बातमी अर्धसत्य आहे. 4 संशयित मेयो इस्पितळातून निघून गेले हे खरं, पण यापैकी 3 लोकांना लक्षणे सुद्धा नव्हती आणि स्वतःला कोरोना व्हायरसपासून वाचविण्यासाठी या लोकांनी हा पाऊल उचलला. का हे 4 लोक या इस्पितळातून निघून गेले हे जाणून घेतलं आहे आमच्या प्रतिनिधी अमित वांद्रे यांनी. त्यांनी स्वतः या लोकांच्या नातेवाईकांशी बोलून आपल्या समोर पूर्ण सत्य आणले आहे. का खरंच नागपूरच्या मेयो इस्पितळातून पळालेत 4 कोरोना संशयित? नागपुरात या बातमीमुळे भीतीचे वातावरण. माध्यम आणि समाज माध्यमावर रुग्ण पळाल्याची पसरत आहे बातमी. काय आहे या बातमीची सत्यता? सध्या कोरोना व्हायरसची भीती वाढत असताना अफवांचा बाजारपेठही तापलेला आहे. नागपुरातही हा अफवांचा बाजार वेगळीच भीती निर्माण करीत आहे. समाज माध्यम आणि काही माध्यमांनी मेयो इस्पितळातून 4 कोरोना व्हायरसचे रुग्ण पळाले असल्याची बातमी पसरविली, मात्र ही बातमी अर्धसत्य आहे. 4 कोरोना व्हायरसचे संशयित मेयो इस्पितळात निघाले हेही खरं नाही. हे 4ही व्यक्ती स्वतः आपली तपासणी करण्यासाठी मेयोला गेले होते. त्यातील 3 लोकांना साधे लक्षणे सुद्धा नव्हती, अशी ग्वाही स्वतः नागपूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी दिली. मात्र अशात या 4ही लोकांना इस्पितळातून निघण्याची गरज का भासली हा प्रश्न इथे उपस्थित होतो. याचं उत्तर स्वतः संशयितेचे नातेवाईक देत आहे. या 4 लोकांपैकी एकाचे बाबा सांगतात की त्याच्या मुलाच्या मित्राच्या बाबांना कोरोना व्हायरसची लागवड झाली होती, त्यामुळे मित्राच्या सहवासात येऊन हा व्हायरस त्यांच्या मुलालाही होऊ शकतो म्हणून त्यांनी मुलाच्या रक्ताची तपासणी करायला मुलाला मेयो इस्पितळात पाठविले. मात्र इथे आल्यावर कोरोना व्हायरसचे पॉझिटिव्ह रुग्ण विना मास्क लावून वॉर्डमध्ये फिरत होता आणि या संशयित लोकांनाही त्यांच्या वॉर्डात ठेवण्यात आलं. पॉझिटिव्ह रुग्णांचा व्हायरस या लोकांनाही होऊ शकतो या भीतीने ते 4ही रुग्ण तिथून निघून गेले. एकदम सही बात है, वो पेशेंट नहीं है. पहली बात तो ये है, उनका एक्सपोजर हुआ अपने कलीग के साथ में जिसके फादर को डिटेक्ट हुआ है कोरोना. वो बच्चा जिसके फादर को डिटेक्ट हुआ है वो बच्चा भी रामदेव बाबा कॉलेज में पढ़ता है और हमारा बच्चा भी रामदेव कॉलेज में पढ़ता है. तो 3 बच्चे का एक्सपोजर वहाँ पे हुआ. एक्सपोजर हुआ तो परसों कॉलेज प्रशासन ने बोला कि आप वहाँ जाके चेक करवा लीजिए IGMC में. परसों IGMC चेक कराने आए, इन्होंने सिर्फ बस रिकॉर्ड भरा और वापस घर भेज दिया. कल फिर वापस आए, वापस आने के बाद में उन्होंने बोला आज हमको सैंपल लेना पड़ेगा. ठीक है, और 6 घंटे में रिपोर्ट आपको आ जाएगी, शाम को घर ले जाइए. हालत ये हो गई कि रात में 9 बजे तक रिपोर्ट नहीं आई और 9 बजे पता चल रहा है कि जो पेशेंट डिक्लेयर हो चुका है वो उसी वार्ड में घूम रहा है. तो उस केस में और साथ में बाथरूम, दोनों का बाथरूम एक है, एक ही जगह रखे हुए हैं. तो जो सस्पेक्टेड है और जो प्रूवन है, दोनों को एक जगह रखेंगे तो सस्पेक्टेड प्रूवन हो सकता है कि नहीं हो सकता है. उस केस में बच्चे अपने सेफ्टी के लिए यहाँ से निकल के गए. रात में 2 बजे पुलिस का फोन आया, उनको यही बताया गया कि साहब कोई भागा हुआ नहीं है, आप जिस स्थिति में रखे हैं उससे अच्छी स्थिति में अपने घर पर रखे हुए हैं, जब आप बोलेंगे लेके आएंगे. आज कलेक्टर साहब का फोन आया 1 बजे कि आप लेके आइए. वहाँ पे कलेक्टर साहब मिस्टर गावंडे ने फोन किया पहले, उन्होंने कलेक्टर साहब मैं नहीं जानता क्या नाम उनका, ठाकरे साहब, हाँ ठाकरे साहब बोले कि आप लेके आइए वहाँ पे, मैं प्रेस ब्रीफिंग में जा रहा हूँ, आप वहाँ लेके आइए. यहाँ पर लेके आए, ठाकरे साहब को फोन, कलेक्टर साहब के पीए को गावंडे साहब को फिर फोन किए, तो बोला आप जाइए और वहाँ पे आधे घंटे में रिपोर्ट मिल रही, रिपोर्ट लेकर घर चले जाइए आप. हम साहब आप आइए एक बार देखिए. मेरा ये कहना है कोरोना के लिए इतना बड़ा पेशेंट जो था वो पॉजिटिव था नहीं साहब, हमारा पेशेंट सब कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका कलीग जो है उसके फादर को डिटेक्ट हुआ है. सेफ्टी के लिए, तो सेफ्टी के लिए यहाँ पे कॉलेज प्रशासन ने बोला जाके चेक करवाइए. यहाँ पे जो सुविधा है वो पर्याप्त सुविधा नहीं है, एकदम नहीं है. हाँ. एकदम नहीं है सुविधा. छोड़िए, एक ही जगह नेगेटिव पॉजिटिव पेशेंट को रखा गया है या सस्पेक्टेड और पॉजिटिव पेशेंट को रखा गया, वो कहीं ना कहीं खतरे को आमंत्रण दे रहा है. तो उस केस में अपने को बच्चे को यहाँ से घर 3-4 लोगों ने घर लेके गए अपने. ये सुविधा नहीं है, इसका मतलब जो पॉजिटिव है उनके लक्षण इनको आ जाएंगे, आ सकते हैं, आ भी सकते हैं. हाँ, इसलिए अपने घर पे लेके गए, अपने घर पे. असेच एका महिलेला शंका होती की त्याचे पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या घरी जाणे नव्हतं, म्हणून रक्ताची तपासणी करायला त्या मेयोला आल्या. मात्र त्यांनाही बाकी निघून गेलेल्या रुग्णांसारखे अनुभव आले आणि भीतीपोटी तेही तिथून निघून गेले. रक्ताची तपासणी केल्यानंतर 6 तासात रिपोर्ट येणे अपेक्षित असते, मात्र 24 तासानंतरही यांना रिपोर्ट न मिळाल्याने नातेवाईक तापलेले आहेत.
पेशेंट को यहाँ पे लाया गया तो सुविधा किस तरह की दी गई है ये बताइए, और क्या कहोगे कि जिस तरह से कल जो लोग चले गए थे उसके बारे में? मेरा नाम पुष्पेंद्र कचेर है, मैं अपने मम्मी को यहाँ पे लेके आया था क्योंकि वो जो पॉजिटिव पेशेंट है उनके घर से उनके रिलेशन थे, वो लोग मेरे मम्मी आई थिंक 6-7-8 तारीख को उनके घर पे गई थी, तो हमें एरिया के लोगों ने बोला कि आप जाके चेक कराइए, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि अगर वो पॉजिटिव पेशेंट के साथ अटैच थी तो हमें जाना चाहिए चेक कराने के लिए। तो मैं खुद की इच्छा से कल यहाँ पे आके अपना सैंपल दिया है मम्मी का 12-1 बजे के करीब। हमें बोला गया है कि 4 से 5 बजे तक हमें रिपोर्ट मिल जाएगी, जो कि रिपोर्ट हमें 5-6, फिर उसके बाद बोला गया कि 6 बजे मिलेगी, उसके बाद बोला कि 8 बजे मिलेगी, उसके बाद बोला 9:30 बजे मिलेगी। 9:30 बजे जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि आज रिपोर्ट नहीं मिलेगी, अभी सिर्फ 2 पेशेंट की रिपोर्ट आए हैं जो कि वो दोनों निगेटिव हैं और वो चले गए। उसके बाद हमने बोला कि हमारी रिपोर्ट का क्या, तो बोले कि आपकी रिपोर्ट कल आएगी। फिर हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव पेशेंट है वो वहाँ पे रोमिंग कर रहा है, हेयर एंड डेयर कर रहा है विदाउट मास्क। तो हमने बोला कि हम हमारे पेशेंट को कैसे इनके साथ रख सकते हैं, यहाँ कैसे हैं। तो वो बोलते हैं कि आप खुद की इच्छा से यहाँ पे आए हो, हमने आपको बुलाया नहीं है। तो हम हमारी इच्छा से थोड़ी ना आए हैं, हम इंडिया के नागरिक हैं तो हम कहाँ जाएँ, ये हमने उनको बोला। तो बोले कि आप अपने इच्छा से आए हो, आप चाहते तो लेके जा सकते हो, और वो सिर्फ सर ऐसे ऐसे हिला रही थी और ना वो कुछ आंसर दे रही थी। हम किसके पास पूछे जाए, ना हमें हेल्प मिल रही थी ना हमें सजेशन मिल रहा था, तो हम क्यों कहाँ चले जाएं और हम पॉजिटिव पेशेंट के साथ कैसे रख सकते हैं। एक ही बाथरूम यूज़ हो रहा है और ना तो वहाँ पे सैनिटाइज़र है, ना तो वहाँ पे वॉशिंग बेसिंग है, ना कुछ है, हाथ धोने के लिए कुछ नहीं है, ना पेशेंट को मास्क दिया जा रहा है, ना रिलेटिव जा रहे हैं तो उनको कोई मास्क दिया जा रहा है, तो कितना चांसेस है? आप खुद बोल रहे हो कि ये इंटरनेशनल वायरस है, तो फिर इसके लिए प्रशासन कहाँ है? तो सुविधा का पूरा अभाव में आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल पूरा अभाव है। आप चाहे तो खुद भी जा सकते हो, पर आप जैसे आप मीडिया भी बोल रहे हो कि हमारे लिए कैमरा अलाउड नहीं है, तो आपको क्यों अलाउड नहीं है ये मुझे नहीं पता है। आप वहाँ पे जाके नहीं चेक कर रहे हो, आप हमसे पूछ रहे हो, और हमें बोला जा रहा है कि हम भाग गए हैं, जबकि हमने पुलिस वाले को 2 बजे बोला है कि हम कहीं नहीं भागे हैं, हम घर में हैं, आप जब बुलाओगे तब हम आ जाएंगे, बस हमें हमारी रिपोर्ट दे दी जाए। और आज मैं जाके पूछता हूँ कि मेरे रिपोर्ट का क्या हुआ, तो बोलते हैं कि अभी रिपोर्ट आने की है। तो मैंने बोला हमारा पेशेंट कहाँ रहेगा, यहाँ पे तो पॉजिटिव पेशेंट है, तो बोलते हैं कि आपके पेशेंट को तो यहीं रखना पड़ेगा, और क्या भरोसा है कि आपका पेशेंट पॉजिटिव नहीं है? बिना रिपोर्ट आए वो मेरे पेशेंट को पॉजिटिव कैसे बोल सकते हैं? रुग्ण इस्पितळातून निघून जाण्याची बातमीनंतर जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी पत्रपरिषद घेऊन निघालेल्या लोकांना परत बोलविण्यात आल्याची माहिती दिली। IGMC से जो 4 मरीज कल खुद होकर निकल गए थे शाम को, रात में लगभग 10:30-11 के करीब, उनमें से 3 लोगों को हम लोगों ने अभी फिर से यहाँ पे वापस लाया है, और एक जो है वो एक आधे पौन घंटे में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये सारे मरीज जो है वो कल वहाँ पे उनका सैंपल लिया गया है, और सैंपल लेके जो है उसकी रिपोर्ट जो है आज दोपहर में 3:30-4 बजे तक हमको मिलने की उम्मीद है। ये जो पेशेंट निकल गए, ये जो वहाँ पे जो व्यक्ति आए थे, इन व्यक्तियों को कुछ असुविधाएं थी, अपनी असुविधाएं थी, उसके कारण भी वो निकल गए। डॉक्टरों ने उनको मना करने की उस समय पे कोशिश भी की, वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद एक्चुअली 2 व्यक्तियों के निगेटिव रिपोर्ट आए थे, और वो जैसे फिर वहाँ से निकल गए तो उनके साथ में ये लोग भी निकले, तो ये लोगों को रोकने की कोशिश बाकी के स्टाफ ने की, लेकिन वो माने नहीं और वो निकल गए थे। हमने सबसे संपर्क किया और आज अभी 3.5 लोग जो है वहाँ पर पहुँच गए, ये पहली बात है। दूसरा जो है, ये 4 में से 3 लोगों को कोई लक्षण नहीं है, ना बुखार है, ना कोई खांसी है, ना कोई सर्दी जुकाम है, लेकिन उन लोगों को जो है जो हाई रिस्क बोलते हैं कि जो एक पेशेंट पॉजिटिव पाया गया था उनके संपर्क में आए हुए लोग थे, तो इसलिए उनको भी बुलवाया गया था। और दो लोग ऐसे थे इसमें से जो खुद कहीं बाहर से, कोई एक नीदरलैंड से आया था और कोई थाईलैंड से आया था, तो वो खुद होके अपने आप वहाँ पे आए थे और वो वहाँ पे अपना खुद का जांच करवाना चाहते थे, तो उनको कोई लक्षण नहीं थे। वैसे भी हम लोगों ने आज से जो है होम क्वारंटाइन का ही शुरू किया है, और उसमें भी स्वैब्स जो है वो घर पे जाके ही हम लोग ले रहे हैं, तो इससे ये सारी चीज़ें जो है दुरुस्त हो जाएगी। इसके अलावा वहाँ पे जो पॉजिटिव पेशेंट एडमिट रहते हैं और उनका भी ठीक ढंग से ख्याल वहाँ पे रखा जाए, और कोई मुलाकात ना हो, बाकी की उनसे कोई इंट्रैक्शन ना हो, इसलिए पुलिस की भी इंतजाम हम लोग आज से जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हम लोग करने जा रहे हैं।
कोरोना व्हायरसची भीती वाढत असताना प्रत्येकांना या व्हायरसपासून वाचविण्यासाठी खबरदारी घेतली पाहिजे. अशात जर प्रशासनच बेजबाबदारपणा दाखवित असेल तर सामान्य जनतेच्या मनात भीती वाढणे अपेक्षितच राहील. मेयो इस्पितळात प्रशासनाने जर खबरदारी घेतली असती तर अशी घटना घडली नसती, हे मात्र खरं. कोरोना व्हायरसची भीती सध्या तरी अख्ख्या भारतात किंवा पूर्ण जगात आहे, मात्र सध्या नागपुरात 3 पेशंट आढळलेले आहे आणि 3 पेशंट सध्या मेयो हॉस्पिटलमध्ये. आपण पाहू शकता की मेयो हॉस्पिटल आहे, इथे आपण आहोत आणि मोठ्या प्रमाणात जे कर्मचारी आहेत ते साफसफाईचं काम करत आहेत. मात्र अशात एक मोठी खबरदारी घेण्यात येणार यायला पाहिजे ते म्हणजे हॉस्पिटल प्रशासनाने की यांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांनी मास्क उपलब्ध करून दिलं पाहिजे होतं. मात्र मोठ्या प्रमाणात यांचे जे कर्मचारी आपण पाहू शकता की काही जे कर्मचारी आहेत त्यांनी मास्क मिळाले नाही, तेही त्यांनी स्वतःच्या पैशाने घेतला असं सांगण्यात आलेलं आहे. काही लोकांनी जे रुमाल आहे ते बांधलेलं आहे, म्हणजे जब जिथे कोरोना पसरण्यास सर्वात जास्त भीती आहे पेशंटद्वारे तिथेच प्रिकॉशन घेण्यात येत नाही असं चित्र समोर दिसत आहे. खूपसे कर्मचारी आहेत ज्यांना मास्क उपलब्ध करून दिले गेलेले नाही आणि ज्यांना आणि जे घालून आहे तर तेही प्रशासनाद्वारे नाही तर त्यांनी स्वतःच्या पैशाने घेतलं आहे. तर अशात प्रशासन किती सज्ज आहे आपल्या कर्मचाऱ्याबद्दल हेही आपल्याला माहीत होतं. कॅमेरापर्सन बादल नंदवास, अमित वांद्रे, 24 तास, नागपूर.